नमस्कार जेपी भाई न्यूज ग्रामीण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ अलवर की प्याज मंडी में, जहाँ पर जो प्याज का बीज है बहुत आयत में बेचा जा रहा है, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है। और ऐसा बताते हैं प्याज के अनुभवी किसान कि इस महीने में जो गुजरात के तलाजा का बीज होता है उसका लगाने का उचित समय होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी भारी संख्या में किसान भाइयों की भीड़ और प्याज की गाड़ियों की भीड़ नज़र आ रही है। तो पूछते हैं अलवर के एक चर्चित प्याज व्यापारी से और उन्हीं से लेते हैं जानकारी कि आज प्याज के बीज का क्या भाव चल रहा है, आने वाले दिनों में प्याज के बीज के भाव की क्या भाव रहने की उम्मीद है। बारिक जी, आज अलवर की मंडी में जो प्याज के बीज है इसका क्या भाव देखने को मिल रहा है? देखो अभी सुबह का टाइम है, 11 बजे गिरा के है नहीं, तो अभी की जो बिक्री है ये मानो 1800 रुपया से 2300 रुपये उनसे माल बिका है अलवर के अंदर। गुजराती बीज की बिक्री आज ही है। कुछ डाउन हुआ है बीज? देखो 3 दिन से लगातार गिरावट आ रही है भाव। जो पहले बिका था 2600, कल बिका था 2400, और अभी की तारीख में, आज की तारीख में जो है 2300 रुपये प्रति क्विंटल सब में टॉप भाव है, सब अच्छा भाव। कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं? गाड़ियाँ 17 गाड़ियाँ, तो आज तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं मेरे हिसाब से। देखो सब में ज़्यादा गाड़ी कल भी थी बिक्री, 5 गाड़ी आ रही, 10-12 गाड़ी, इसलिए बाजार टूट रहा है। कुछ किसानों की रुचि भी कम हो चुकी है, 2-3 दिन से काफ़ी कम किसान आ रहे हैं मंडी को। आज बारिश का मौसम हो रहा है मुबारक। अच्छा, यदि बारिश होती है तो किसान प्याज लगाएंगे? देखो ये तो किसान के ऊपर निर्भर है, बहुत से किसान सोच रहे कि बारिश आ जाए तो प्याज लगा, बहुत से किसान है जिनका मन बलत चुका है वापस से, तो इसलिए गिराई कम हो चुकी है। अब किसानों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अगर फसल का भाव मिला तो किसान प्याज लगाएंगे, अगर नहीं मिला तो किसान नहीं भी लगाएंगे। क्या लगता है आने वाले दिनों में भाव को लेकर? किस चीज़ का? प्याज के बीज का। देखो आने वाले दिनों में अगर जब यही स्थिति रही, आने वाले दिनों में भाव डाउन होने की उम्मीदें हैं, किसी प्रकार की तेज़ी नहीं लग रही। जिस हिसाब से आप मंडी देख रहे हो, पूरी मंडी में गिराकी देख रहे हो, इसमें जितनी भी भीड़ है ये ग्राहकों की नहीं है, इसके अंदर टेम्पो वाले, लेबर वाले और यहाँ के जो मौजूद है भाई वो है। ठीक है जी, थैंक यू।